ये देखिए हमारे मसाला चने कितने बढ़िया बने हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप अगर इसे पूरी के साथ बना करके खाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद शिव्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल में डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से क्या होता है, तेल में हमारे कच्चापन नहीं आता है, अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम हींग डाल देंगे 1 चुटकी। 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन। 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा। प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। चलाएंगे इसको। हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। नमक हमने छोलों में पहले भी डाला था तो इस वजह से मैं यहाँ पर नमक कम डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, ये कम तीखा होता है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसकी मैंने प्यूरी बना ली। तो चलाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पका हम इसलिए रहे हैं ताकि हमारा ये जो मसाला है ये अच्छे से भुन जाए और इसमें जो ऑयल डाला है हमने वो ऊपर आ जाए। हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ये चने डाल देते हैं। ये चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे। मैं यहाँ पर 2 कप चने डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। आप चाहें तो इसमें आप हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसको ढक करके हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं चने हमारे बन गए हैं। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। चने हमारे बन करके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी शेयर करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।